हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन फ्लाई डॉक्टर वंस अगेन। तो ये एक थोड़ा वीडियो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग ड्रोन इंपोर्ट है। पिछले वीडियोस के हिसाब से और जो रेगुलेशंस आ रही थी, रिलैक्सेशन हो रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि बाकी कंपनीज को भी अलाउ किया जाएगा इंडिया के अंदर, लाइक DJI विच इज़ द लीडर इन द ड्रोन मार्केट। बट अब सिचुएशन कुछ और है। इंडियन गवर्नमेंट वॉन्ट्स कि हमारा इंडिया मेड इन इंडिया ड्रोन्स एक्सेल करें। तो क्या है डिटेल, ड्रोन इंपोर्ट बैन हो गया है एंड पूरा डिटेल बताता हूँ क्या क्या चक्कर है और क्यों हुआ है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स। सारा वीडियो एंड तक जरूर देखें इफ़ यू आर अ ड्रोन लवर। और इस पर हम टेक के बारे में बात करते हैं, जो गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ वो आई शेयर। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड इन टेक, ड्रोन टेक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, बेसिकली न्यूज़ कल परसों आई है कि इंडिया ने कम्प्लीटली बैन लगा दिया। कोई भी अब ड्रोन को इंपोर्ट करने का मत सोचे, बैंगोड ये वो DJI एनी ट्रॉय ड्रोन भी, इवन अगर आपने मंगा लिया वो बैन है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब बेसिकली मेन टारगेट है DJI, इफेक्ट आपको बता रहा हूँ, DJI को टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि DJI इज़ द लीडर इन द वर्ल्ड और DJI इज़ फ्रॉम चाइना। तो ये दो फैक्ट्स हैं, DJI चाइना से है एंड DJI इज द लीडर। नंबर 3 कि इंडिया वॉन्ट्स टू प्रमोट ओन मेड इन इंडिया ड्रोन्स, समझ गए। तो ये तीनों फैक्टरों की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन को बैन कर दिया। आप कोई भी ड्रोन आप इंपोर्ट पहले भी नहीं करवा सकते थे, थोड़ा बहुत लग रहा था कि अब रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन वो जो हुए हैं रूल्स दैट आर फॉर इंडियन ड्रोन मेकर्स। अभी भी इंडिया ने अकॉर्डिंग टू द डाटा अराउंड 16 मिलियन, दैट मीन्स 1.2 बिलियन रुपीज़ की ग्रांट को ओके कराया कि आओ बाहर की कंपनियां एक्सेप्ट चाइना, इंडियन कंपनी से कोलैब करो, अच्छे ड्रोन बनाओ लेकिन मेड इन इंडिया बनाओ। तो ये बेसिकली जो किया गया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेड इन इंडिया ड्रोन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट ड्रोन्स के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट चाइनीज ड्रोन्स के खिलाफ है। गवर्नमेंट इंपोर्टिंग ड्रोन्स के, मतलब बाहर के ड्रोन्स, मेनली चाइना, बाकी क्योंकि और कोई लीडर ज़्यादा है नहीं इससे बड़ा, चाइना DJI इज़ द वन विच इज़ यू नो हर जगह वही हो रहा है, तो मेन टारगेट DJI है मोटा मोटा अगर आप देखें, और उसके मुकाबले के ड्रोन्स इंडिया में बनाना चाहते हैं। काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए प्रोविज़न बना दिया जिसमें आपको ग्रांट बताई है, और जो रूल्स रिलैक्सेशंस हुई हैं पीछे वो इंडियन ड्रोन्स को लेके हुई हैं, जो इंडियन मेड इन इंडियन ड्रोन्स हैं उन्हीं के लिए हैं। तो बेसिकली मेन मोटिव इसका यही है कि एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रोन पार्ट्स को जो चीज़ अभी इंडिया में नहीं बन पा रही, सिर्फ असेंबल हो सकती है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं लाइक जो उसमें सर्किट होता है, कई चिप्स होती हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करती हैं, कुछ सेंसर्स हैं जो अभी इंडियन टेक में पॉसिबल नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो जाए, तो उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप ड्रोन पार्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, एज सच ड्रोन को नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू आर, ड्रोन बनाना कुछ मुश्किल नहीं है इफ़ यू हैव गुड पार्ट्स, लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जिसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी था, तो वो आप असेंबल कर सकते हैं, ड्रोन पार्ट्स को मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जिस तरह से आपको चाहिए कंज्यूमर ड्रोन जैसे कि DJI रेडी टू यूज़ बनाता है, वो चीज़ करने के लिए कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को बूस्ट कर रहे हैं कि आइए कोलैब करिए या अपना फुल मेड इन इंडिया ड्रोन बनाइए जो कि आपके जो बाहर के ड्रोन हैं मेनली DJI के साथ कंपीट करें। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टेक जो प्लान कर रही है DJI से टक्कर ले पाएंगे। मेरे को लग रहा है अगर दूसरी कंपनीज जैसे US वगैरह का थोड़ा कोलैब हो जाए और मेड इन इंडिया का टैग लग जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। बाकी DJI, मतलब आप और ये जो पीछे फंडा हुआ था लिस्टिंग वाला, ये सारा कुछ भी इसी के लिए तामझाम किया गया था और कि देखने के लिए कि कितने ड्रोन की परसेंटेज इंडिया में एग्जिस्ट करती है दैट बिलोंग्स टू DJI। तो आपको फैक्ट जान के हैरानी तो नहीं होगी, यू मस्ट बी नोइंग 80-90% ड्रोन जितने भी लिस्ट हुए, डैन नंबर जितने भी रिलीज हुए, वो सब DJI के हैं। तो इस फैक्टर से काफ़ी शॉक्ड है गवर्नमेंट, शॉक्ड या उनको पता ही था, बस कंफर्म करना था, तो इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया कि अब फाइनली व्हाट इज़ द कंक्लूजन कि इंपोर्ट मत करें ड्रोन को, डोंट इंपोर्ट ड्रोन्स। और इंडियन गवर्नमेंट इज़ बूस्टिंग
own companies to make good drones. पापा मैंने जासूसी की है कि एक लड़का लड़की चिपक क्यों रहा है एक साथ में। तुम मत देखो, नो, अंदर बैठो। जासूसी की थी अभी। ठीक है, अंदर बैठा, ऐसी गंदी बात मत देखो। तो आप हमने सुझाव लिखे, मूव क्लियर है बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इंडियन कंपनीज टू मेक ड्रोन्स विच कैन कम्पीट विद DJI। वैसे ओवरऑल ड्रोन रबल्स के लिए अच्छी खबर नहीं कहूँगा मैं, बट ऑन द होल इन द फ्यूचर काफ़ी चीज़ें, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, देर आर मैनी स्टार्टअप्स, गुड स्टार्टअप्स आर कमिंग अप जो कि अच्छा ड्रोन बनाने का क्लेम कर रहे हैं, एंड आई थिंक सो विद कलेबोरेशंस फ्रॉम अमेरिका एंड जापान एंड कंट्रीज लाइक दैट जो कि काफ़ी टेक सेवी हैं। तो होप सो कोई अच्छे ड्रोन्स हमारे लिए दे रिलीज, और उनको लेने में भी कोई दिक्कत ना हो, वो NP-NTK कंपैटिबल भी हों और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो चाहती है वैसा हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। Q&A मैं करने वाला हूँ अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया Q&A नहीं किया हमने ड्रोन्स के ऊपर। एंड बाकी ड्रोन मास्क का मैंने गिव अवे किया है, कई लोग सोच रहे हैं ड्रोन का गिव अवे है। आई अगेन क्लेरिफाई, ड्रोन मास्क का गिव अवे चल रहा है पीछे, मैंने लिंक इधर भी दे दिया है, तो वो जिसको लेना है तो 2000 लाइक्स के बाद मैं रैंडम सेलेक्ट करूँगा। कीमत उसकी 11-12 हज़ार रुपये है अकॉर्डिंग टू द इंडियन करेंसीज। तो जिसको चाहिए वो जाके वीडियो देखे और उस पर लिखे वाई ही वॉन्ट्स दैट ड्रोन मास्क, वॉट ही विल डू विद दैट ड्रोन मास्क। और वो ड्रोन मास्क हर एक ड्रोन के साथ कंपेटिबल है, जिसको आप मोबाइल में कंट्रोल करते हैं, थ्रू मोबाइल आप देख सकते हैं। ओके, तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, एंड बाकी कोई अपडेट आती है इससे रिगार्डिंग आई लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।